नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, कपूर का टुकड़ा घर में इस तरह रखने से आती है सुख शांति और समृद्धि। जी हाँ, पूजा में कपूर जलाने की परंपरा तो कई वर्षों से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के सामने कपूर जलाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। रोज सुबह शाम घर में ईश्वर वंदना करते समय कपूर जरूर जलाना चाहिए। कपूर के बारे में वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर भी कहा जाता है कि इसकी सुगंध से जीवाणु, विषाणु और बीमारी फैलाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। ये वातावरण को शुद्ध करता है, जिससे बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। विज्ञान के अनुसार पूजा या हवन करते समय जब हम कपूर जलाते हैं तो उससे निकलने वाला धुआं आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। भगवान शंकर ने 33 कोटि देवी देवताओं को बिठाकर हाथ में गंगा जल लेकर अश्व पर छिड़का तो उसको कपूर बना दिया। कपूर बनाकर उसको यज्ञ में समर्पित भगवान विष्णु से कहा, यज्ञ की पूर्णाहुति पर ये कपूर के रूप में अश्वमेघ यज्ञ को अश्व के रूप में दान किया गया है। अर्थात पृथ्वी पर मनुष्य अगर अपनी घर में आरती पूजन में कपूर जलाएगा तो उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलेगा। अगर घर में कलेश है, बहुत अशांति है, तो कपूर के 4 टुकड़े कर लीजिए और घर में चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा रख दीजिए। कितना भी झगड़ा चल रहा होगा, शांति हो जाएगी। कपूर शिव का स्वरूप है, ये अश्वमेघ यज्ञ का फल प्रदान करता है। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो कांच की प्याली में कपूर के 7 टुकड़े, पिटकरी के 2 टुकड़े, खड़े नमक का 1 टुकड़ा रख दीजिए। 15 दिन तक रहने दीजिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि आपका व्यापार अच्छे से चलने लगा है। आनंद का अनुभव आप खुद महसूस करेंगे। अगर आपको डर लगता है, चिंता घेरे हुए नींद नहीं आती है, तो मंगलवार की रात सोते समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और कमरे में कपूर की ज्योति जला दें। चिंता और नींद ना आने जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये उपाय आपको 7 मंगलवार तक करना है। दोस्तों, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए रोज सुबह और शाम को कपूर की आरती करें और आरती पूरे घर में चारों तरफ घुमाएं। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। अगर आपको अपना डूबा हुआ धन प्राप्त करना है तो कपूर का काजल बना लें। इस काजल से भोजपत्र पर शुक्रवार को उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसको धन दिया था। 7 बार हाथ की थपकी देकर कहें, मेरा पैसा वापस दे। उस भोजपत्र को भारी पत्थर के नीचे दबा दें। श्रद्धापूर्वक ऐसा करने से आपको आपका धन वापस मिल जाएगा। और दोस्तों, कपूर जलाने से पितृदोष भी दूर होता है। जिन लोगों को पितृदोष हो या काल सर्प दोष हो, राहु केतु का प्रभाव हो, ऐसे लोगों को कपूर जलाना बहुत ही लाभदायक होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कपूर जलाने से देव दोष, पितृदोष समाप्त हो जाता है। दिन में 3 बार यानी सुबह, शाम और रात के समय घी में भिगोकर कपूर जला दें। अगर पति पत्नी के बीच तनाव रहता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये उपाय बहुत ही कारगर है। पत्नी रात को सोते समय कपूर पति के तकिए के नीचे रख दे और सुबह बिना टोके उसे जला दे। इस उपाय को करने से आपस में शांति बनी रहती है और प्रेम भी बढ़ता है। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी कैसे आप अपने घर में कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिले।